डॉक्टर मुल्क राय बमागी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जम्मू कश्मीर स्टेट का अध्यक्ष हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। बहुत देर से समाज के कार्यों में भी रहता हूँ और मैंने 3 जनवरी 2021 को डोगरा सदर सभा के प्रांगण से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट रखा, वो लॉन्च की और जिसको मैंने फॉर्मर मिनिस्टर और सोशल एक्टिविस्ट डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष श्री गुलचैन सिंह चाड़क जी को चीफ पैट्रन घोषित किया और उनके साथ जनक खजूरिया जी, कर्नल जम्वाल साहब और जीए ख्वाजा साहब जो डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हैं और किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर स्टेट के डॉक्टर घनश्याम सिंह चाड़क जी, गंभीर देव सिंह जी, राजेश शर्मा जी, जॉन फिलिप्स जी और भी अनेकों बहुत अच्छे और इंटेलेक्चुअल लोगों को लेकर के हमने एक जो लॉन्च ये ऑर्गेनाइजेशन की थी। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने का प्रयास किया और बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर के लोगों से पैसे ऐडना शुरू किया और उसके साथ साथ उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कुछ दिनों के लिए चेयरमैन को बुझे चेयरमैन बनाया गया सभी लोगों के कंसेंट से और मैं फाउंडर भी हूँ। तो अल्टीमेटली कुछ समय के लिए मुझे उसका एडमिन रखा और उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया गया और कोई भी जो जितने भी हम मैंने मेंबर्स जोड़े सैकड़ों के हिसाब से जो मेरे जान पहचान के थे क्योंकि मुझे पूरी रियासत के लोग जानते हैं तो उन लोगों को मैंने जोड़ा। तो यूं ही लोग बहुत सारी तादाद में ग्रुप के में जुड़ गए तो उन्होंने मेरा नाम ब्लॉक कर दिया और उसमें इतने शरारती तत्व, इतने मतलबी लोगों को देखा कि जिन्होंने पैसे को आगे रख करके, जिन्होंने मजहबों का सहारा लेकर के, जाति पातियों का सहारा लेकर के, अपने जहां जहां लिंक्स थे सोशल मीडिया का सहारा लेकर के और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का उसको बिल्कुल दरकनार करके अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का प्रयास किया। जगह जगह जाकर के उसकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है कि जब ये ट्रस्ट होता है उसको रजिस्टर्ड करना होता है कोर्ट्स में जुडिशरी से, तो अभी वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर भी। तो ये कहते हैं कि देश का और दुनिया का बन गया ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, जो मेरा जो एक आइडिया था, जो मेरी एक सोच थी, उस सोच से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं और हाईजेक करते चले जा रहे हैं। मैं आज मुख्तसर ये बात कहना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और दूसरा, आज से मैं एज ए चेयरमैन और फाउंडर होने के नाते मैंने सभी जितने लोगों के नाम लिए, इनसे कंसेंट लेकर के हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो हमारे बीच में इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे थे उनको बहुत दुख हुआ है, बहुत एक किस्म का हर्ट हुआ है। तो इसलिए वो सब लोगों ने एक मीटिंग करके आज हमने इसको डिसॉल्व कर दिया है और कोई भी अगर इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी से पैसे लेता है विदाउट किसी ऑडिट के, विदाउट किसी सिस्टम के, विदाउट रिकॉग्निशन के, विदाउट इसकी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तब तक अगर कोई कुछ भी काम करता है, कोई बुरा रिजल्ट अगर आता है तो वो ये लोग जिम्मेवार होंगे, हम इसके जिम्मेवार नहीं है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।